नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार ने लंबे समय के बाद 1 जुलाई से प्रदेश के स्कूलों को खोलने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के स्कूलों को 2 पारियों में खोलने के लिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की बात कह चुके हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर उनसे सुझाव मांगे गए हैं। इन कमेटियों में शिक्षाविद शामिल होंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी व अभिभावकों से उनके स्कूल खोलने से संबंधित विचार भी जाने हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं व 15 जुलाई से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए स्कूल खोलने संबंधी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को उनके घर पर ही 1 जून से द्वितीय सप्ताह तक पुस्तकें उपलब्ध करवाने के आदेश भी जारी कर दिए। हरियाणा प्रदेश के लगभग 16 लाख छात्र छात्राएँ सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे, जो विभिन्न सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं स्कूल खोलने को लेकर के बुद्धिजीवी शिक्षाविद संजय कुमार, अभिभावक सतीश व शिक्षाविद अनिल कुमार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 माह से स्कूलों की पढ़ाई बाधित हुई। सरकार यदि स्कूल खोलती है तो उन्हें चाहिए कि बच्चे के स्कूल में और वैन में बैठने के साथ ही निर्धारित दूरी, वैन में सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था, स्कूल तथा कक्षा कक्ष में और बेंचों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों को मास्क के साथ पीरियड अवधि 40 मिनट से घटाई जानी चाहिए, तभी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाई संभव हो पाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कुछ वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से चल रही शिक्षा को भी और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इनका मानना था कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर ही रह सकते हैं, मगर अगर स्कूलों में जाएंगे तो ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने के लिए अपने विचार के साथ साथ स्कूलों के अन्य शिफ्टों को चलाने के लिए आरंभ चरण में उच्च कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की बात भी कही। पल पल भिवानी श्यामन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। वैश्विक महामारी है और इसमें सभी देश जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भी हरियाणा में अगर स्कूल खुलते हैं तो 16.5 लाख बच्चे प्रभावित होते हैं और उनको स्कूल बुलाते हैं तो उन पर खतरा मंडराता है। ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चों पे ही इस बीमारी का संक्रमण का खतरा रहता है। तो मेरा सुझाव ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, इसके बजाय बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएँ लगानी चाहिए। कक्षाओं में ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए ही प्रयास हो, तभी इनसे बचाव हो सकता है। अगर स्कूल खुलेंगे और बच्चे आएंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और वो बच्चे अपने अभिभावकों के संपर्क में आएंगे, सोशल दूरी का दायरा खत्म हो जाएगा। देखो, सावधानी तो इसमें 3 ही बता रखी है कि इस बीमारी से सिर्फ बचाव ही है। आप मुंह पे मास्क रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसमें ये रहता है कि बच्चा जो है वो एक आपके बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर नहीं रहते। हालांकि वो मास्क वगैरह लगाएं और सोशल दूरी का दायरा नहीं रह पाता उनके बीच, तो ये बेहतर यही है कि उनको अपने घर पे ही सुरक्षित ढंग से पढ़ाई का तरीका अपनाया जाए ऑनलाइन। सावधानियों के लिए ये होगा सर कि जैसे ही बच्चा घर से निकलेगा सबसे पहले तो वो वैन में बैठेगा, वहाँ से सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, वैन सैनिटाइजर होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा गेट पे उतरेगा स्कूल से, वहाँ से सोशल डिस्टेंस चालू हो जाना चाहिए। उसके बाद क्लास में जाएगा, क्लास में सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। बच्चे के हर मुंह पे मास्क होना चाहिए। वहाँ से बच्चा क्लास से वापस घर पे आएगा तो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद वैन में सैनिटाइजर होना चाहिए। बच्चे को हर जब बच्चा खाना लेके जाएगा तो हर चीज़ का प्रशासन और स्कूल अभिभावक इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हर तैयारी करके स्कूल खोलनी चाहिए। अदरवाइज हर बच्चा जो है ना, बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो इतनी सावधानियों को खुद प्रकोप नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। और ये सब टीचर्स और अभिभावक घर से निकलने के बाद तो टीचर्स ही बच्चे को संभालेगा, अभिभावक तो घर पे ही रह जाएंगे। मैं ये अनिल कुमार हिसाब से अगर इस लॉकडाउन को अनलॉक करके स्कूल खोले जा रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सी सावधानियां का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो मेरे हिसाब से हर बच्चे की होनी चाहिए स्कूल के द्वारा, और एक हर क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। क्या लगे फिर सर? मेरे विचार से अभी अनुचित है कि इस माहौल के दौरान मेरे विचार से स्कूल खोलना बिल्कुल अनुचित है। क्या नाम सर? सतीश कुमार।